रेड ब्लड कार्पसल्स आरबीसीज इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि आरबीसीज का कलर होता है रेड। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? इरिथ्रो मतलब रेड, साइट्स मतलब सेल्स। इरिथ्रोसाइट्स, जो सेल्स रेड कलर की होती है उन सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। रेड ब्लड सेल्स जो है, रेड ब्लड सेल्स सर्कुलर है लेकिन बाइकॉनकेव एंड इन्यूक्लिएटेड। आरबीसी कैसी है? आरबीसी का जो शेप है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल इन शेप। ऐसी गोल है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा? ई न्यूक्लिएटेड, मीन्स आरबीसीज आर विदाउट न्यूक्लियस। सर्कुलर है, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब आरबीसी का जो आरबीसी में, आरबीसी दोनों तरफ से कॉनकेव है, ऊपर से भी कॉनकेव है, नीचे से भी कॉनकेव है आरबीसी। बाइकॉनकेव मतलब आरबीसी का जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, बीच में, यहाँ पर बीच में गड्ढा है, लेकिन ये जो गड्ढा है, ये जो कॉनकेव सरफेस है, ये दोनों तरफ से है, डॉर्सल एंड वेंट्रल। मतलब ऊपर से भी देखो, कहीं से भी देखो, हम आरबीसी उलट पुलट करके, तो हमें बीच में क्या दिखेगा? गड्ढा दिखेगा। बाइकॉनकेव, ये आरबीसी का बाइकॉनकेव रहना किस फंक्शन के लिए एसेंशियल है? आरबीसी बाइकॉनकेव है इसलिए आरबीसी का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ाता है। आरबीसी का बाइकॉनकेवनेस आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ाता है। आरबीसी का ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आरबीसी का इलास्टिक होता है। अभी देखिए, जैसे मैंने एक आरबीसी यहाँ पर, ऐसे मैं आपको बता देती हूँ सिंपल में। देखिए, अब मैंने एक डायग्राम निकाली है यहाँ पर। हमें यहाँ से यहाँ जाना है। अब मैं दूसरी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने ड्रॉ की है। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ से यहाँ जाने के लिए जितना वक्त लगेगा उससे ज़्यादा वक्त हमें यहाँ से यहाँ जाने को लगेगा। दोनों की जो लेंथ है वो सिमिलर है, लेकिन ये स्ट्रेट है और ये क्या है? ऐसा कॉनकेव है। समझ में आया? तो आरबीसी का जो बाइकॉनकेव, आरबीसी बाइकॉनकेव है इसलिए आरबीसी का सरफेस एरिया बड़ा है। तो ये जो बाइकॉनकेवनेस है, दोनों तरफ से कॉनकेव है, इस तरफ से एंड इस तरफ से, तो ये जो बाइकॉनकेव होती है आरबीसी, क्यों होती है बाइकॉनकेव? उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बाइकॉनकेव होती है। एंड आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इलास्टिक होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ई न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? वही रीज़न है, आरबीसी में न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि आरबीसी के अंदर जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी के अंदर क्या क्या नहीं होता? आरबीसी के अंदर नहीं होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरबीसी में नहीं है।
आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं है। इन आरबीसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर अब्सेंट, न्यूक्लियस इज अब्सेंट। न्यूक्लियस अब्सेंट होने की वजह से आरबीसी का डिवीजन नहीं होगा ब्लड में। दूसरी बात, आरबीसी में स्पेस क्रिएट होंगी, न्यूक्लियस अगर होता तो वो जगह ले लेता, आरबीसी में जगह हो जाएगी, उस जगह में क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन। लेकिन दो एनिमल मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे लामा एंड कैमल। लामा एंड कैमल ये जो दो एनिमल्स है, लामा एंड कैमल, इनकी जो आरबीसी होती है, इनकी आरबीसी होती है न्यूक्लिएटेड। इनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, लामा की भी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, कैमल की भी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। मैमल्स की आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होती है, मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन ये दो मैमल्स ऐसे हैं, लामा एंड कैमल, कि जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब लामा की एंड कैमल की आरबीसी मल्टी डिवाइड होगी। क्यों डिवाइड होगी लामा की एंड कैमल की आरबीसी ब्लड में? क्योंकि उनके ब्लड में उनके आरबीसी में न्यूक्लियस है। ऐसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे, समझ में आया ना? तो ये याद रखना कि लामा की एंड कैमल की आरबीसी जो है ब्लड में डिवाइड होगी, लेकिन जिनके आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं है उनकी आरबीसी ब्लड में कभी डिवाइड नहीं हो सकती है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। आगे चलेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे हम, कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि आरबीसी जो है, आरबीसीज का जो प्रोडक्शन हाउस है, कहाँ आरबीसीज प्रोड्यूस होती है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। आरबीसीज तैयार होने की, आरबीसीज प्रोड्यूस होने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएसिस। जो फीटस होता है, फीटस में एरिथ्रोपोएटिक टिश्यू कौन से होते हैं, फीटस में आरबीसीज कहाँ प्रोड्यूस होती है, फीटस में आरबीसीज तैयार होती है लीवर एंड स्प्लीन में। फीटस में आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होगा, लीवर एंड स्प्लीन में। जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में एरिथ्रोपोएटिक टिश्यू है रेड बोन मैरो। फिटस में कहाँ तैयार होंगी आरबीसी, लीवर एंड स्प्लीन में। एडल्ट में आरबीसीज कहाँ तैयार होंगी, रेड बोन मैरो। बोन मैरो मतलब जो बोन्स होते हैं, बोन्स के अंदर एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज बोन मैरो। बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं, रेड बोन मैरो एंड येल्लो बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर जो बोन्स के अंदर बोन मैरो है। बोन मैरो में होते हैं स्टेम सेल्स। बोन मैरो में कौन से सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं बोन मैरो में, एंड उस स्टेम सेल्स से बनती है आरबीसी।
आरबीसी का डिवीजन बोन मैरो में ही हो जाता है, ब्लड में आने के बाद आरबीसी डिवाइड नहीं होती है। जब आरबीसी प्रोड्यूस होती है तो उसमें न्यूक्लियस होता है। स्टेम सेल में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है तो न्यूक्लियस आरबीसी में होता है, लेकिन जब आरबीसी बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशन में आती है तो बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशन में जब आरबीसी आती है तो आरबीसी का जो न्यूक्लियस है वही क्या हो जाता है, बोन मैरो में ही आरबीसी का न्यूक्लियस डिस्कार्ड हो जाता है और वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट की जाती है फॉर द हीमोग्लोबिन के लिए। जो सेल्स होते हैं जैसे हीमोसाइटोब्लास्ट, इसे ही बोलते हैं रेटिकुलोसाइट्स, हीमोसाइटोब्लास्ट, ये जो सेल्स है ये सेल्स से बनती है आरबीसी। आरबीसी को बनाने वाले सेल्स कौन से होते हैं, हीमोसाइटोब्लास्ट या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम, रेटिकुलोसाइट्स। आरबीसी को बनाने वाले सेल्स है हीमोसाइटोब्लास्ट या फिर रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स या फिर हीमोसाइटोब्लास्ट से आरबीसी बनती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन है प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स। हीमोग्लोबिन प्रोटीन एंड आयरन से बना हुआ होता है, फेरस। हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड। हीमोग्लोबिन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन का काम है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये फंक्शन है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड CO2, जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो हीमोग्लोबिन को बोलेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट या फिर रेस्पिरेटरी कैरियर। आरबीसी काउंट मेल में आरबीसी काउंट है 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक mm मिलीमीटर। फीमेल में आरबीसीज है 4.3 to 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम एक ब्लड का ड्रॉप ले लेंगे। एक ब्लड का ड्रॉप मैंने ले लिया, देखिए एक ब्लड का ड्रॉप है, इस ड्रॉप में जितना ब्लड है, छोटा सा एक ड्रॉप ले लिया ब्लड का, इस ड्रॉप में जितना ब्लड है या फिर जितना ब्लड एक क्यूबिक मिलीमीटर एरिया में समा सकता है, एक क्यूबिक मिलीमीटर मतलब इसका जो हाइट है, इसका लेंथ है, उसका ब्रेथ है, वो क्या है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, सब 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर
इतना इस 1 क्यूबिक मिलीमीटर है ना, ये क्यूब है, इसका एरिया कितना है 1 मिलीमीटर या फिर 1 क्यूबिक मिलीमीटर। इसमें जितना ब्लड समाएगा, इतना ब्लड इसमें समाया, इसको बोलेंगे हम क्यूबिक मिलीमीटर। क्या बोलेंगे हम इसको? क्यूबिक मिलीमीटर। इसमें इतने ब्लड में जितना ब्लड 1 क्यूबिक मिलीमीटर एरिया में समाता है, उतने ब्लड में कितने आरबीसीज होती है? मेल में 5.1 to 5.8 मिलियन। 5.1 मिलियन मीन्स 51 लैक्स। 5.8 मिलियन मीन्स 58 लैक्स। फीमेल में कितनी होती है? उसी में फीमेल में कम होती है, 4.3 to 5.2 मिलियन। समझ में आया? आरबीसी में कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये एंजाइम भी होता है आरबीसी में। कौन सा एंजाइम होता है आरबीसी में? कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होता है आरबीसी में। ये पढ़ा है हमने। कार्बोनिक अनहाइड्रेज का काम क्या होता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज का काम होता है CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3। जब CO2 आरबीसी के स्ट्रोमा में एंटर होता है टिश्यू से, तो आरबीसी में जो वाटर होता है, वाटर के साथ CO2 रिएक्ट होता है और इससे बनता है कार्बोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैल्शियम सॉरी कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अगर आरबीसीज की संख्या बढ़ती है, नंबर बढ़ते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज के नंबर बढ़ गए, जितने नॉर्मल चाहिए उससे बढ़ गए, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? पॉलीसाइथेमिया। एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इसे बोला जाता है एरिथ्रोसाइटोपेनिया। इंक्रीज अगर होती है, आरबीसीज के नंबर इंक्रीज होते हैं नॉर्मल से ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। आरबीसीज के नंबर डिक्रीज होते हैं ब्लड में, कितने चाहिए अभी तो बताया था, मेल में 5.1 to 5.8 मिलियन चाहिए पर क्यूबिक मिलीमीटर, उससे कम आते हैं तो उसे बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपेनिया, लेकिन उससे ज़्यादा आते हैं तो उसे बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए चाहिए फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, इसके साथ साथ आयरन चाहिए और हेम प्रोटीन, इतना सब चाहिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। फॉलिक एसिड, विटामिन B12, फेरस, हेम प्रोटीन, ये अगर बराबर है हमारे बॉडी में तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ये कम हो गया तो हीमोग्लोबिन क्या होगा? कम होगा। इसकी क्वांटिटी बराबर चाहिए तो हीमोग्लोबिन बराबर होगा। हमारी जो किडनी होती है, किडनी का जो टिश्यू है वो एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करता है। ये जो हार्मोन है
कौन सीक्रेट करता है? ये हार्मोन सीक्रेट होता है किडनी से। कौन सीक्रेट करता है ये हार्मोन? किडनी का टिश्यू। समझ में आया? तो ये इस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोएटिन। ये हार्मोन किस लिए चाहिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। हार्मोन किस लिए चाहिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए हार्मोन जरूरी होता है। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या करता है? बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। एरिथ्रोपोएटिन टिश्यू बोन मैरो को क्यों स्टिमुलेट करता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। अब ये जो एरिथ्रोपोएटिन है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। जब किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस किया जाता है, लेकिन जो डायलिसिस प्रोसेस है वो किडनी का एक फंक्शन रिप्लेस कर सकता है, जैसे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। लेकिन जो एंडोक्राइन फंक्शन है किडनी का, जैसे प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, ये फंक्शन डायलिसिस मशीन करेक्ट नहीं कर सकता। किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है, क्योंकि आरबीसीज कम बनती है ना। ब्लड में आरबीसीज कम बने या फिर ब्लड में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो, दोनों को एनीमिया ही बोला जाता है। आरबीसीज की संख्या कम होती है तो भी एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम होता है तो भी उसे भी एनीमिया ही बोला जाता है। एक हिमेटोक्रिट, इसको जरा अच्छे से पढ़ना। हिमेटोक्रिट मतलब क्या है? हिमेटोक्रिट इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। रेशो है बेटा ये, किसका रेशो है? हिमेटोक्रिट मतलब आरबीसीज का टोटल वॉल्यूम, ब्लड कितना है अपने बॉडी में। समझ में आया ना? कितना ब्लड है हमारे बॉडी में, टोटल ब्लड कितना है और आरबीसीज कितने हैं। समझ में आया ना? टोटल ब्लड कितना है उसके कंपैरिजन में आरबीसीज कितने हैं, इसका जो रेशो है दैट इज कॉल्ड एज हिमेटोक्रिट। दैट इज रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, इट इज कॉल्ड एज अ हिमेटोक्रिट। क्या था? लाइफ स्पैन कितना है आरबीसीज का? लाइफ स्पैन है 120 डेज। एंड जो ओल्ड एंड वॉर्न आउट आरबीसीज है वो कहाँ डिस्ट्रॉय होती है? वो होती है स्प्लीन, स्प्लीन एंड लीवर में। स्प्लीन एंड लीवर को क्या बोला जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोला जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि वहाँ जाके आरबीसीज जो है डेड, मतलब ओल्ड, जिनका लाइफ स्पैन पूरा हो गया है या फिर कोई आरबीसी डैमेज हो गई, वो स्प्लीन एंड लीवर में जाके क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है। इसलिए स्प्लीन एंड लीवर को क्या बोला जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ आरबीसी। पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। O2 दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर टू है इसका फंक्शन मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। तीसरा फंक्शन है मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड।
तीन फंक्शन है आरबीसीज के। पहला तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बताने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे क्योंकि इसके पहले हमने ये डिटेल में डिस्कस किया है। ये मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ये बताती हूँ। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, आरबीसीज ये ऐसी सेल है ब्लड में जो एबंडेंट है, वैसे तो ब्लड में है क्या, ब्लड में 55% प्लाज्मा है, 45% क्या है फॉर्म एलिमेंट दैट इज आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी ब्लड की फॉर्म एलिमेंट से होगी, है ना, बाकी तो ब्लड मतलब पानी है, ब्लड में जो फॉर्म एलिमेंट्स है वही विस्कोसिटी बनाएंगे ब्लड की, लेकिन उसी में आरबीसी सबसे ज़्यादा है, एबंडेंट है, है ना, 5.1 टू 5.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, इतने ज़्यादा आरबीसीज होते हैं। तो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो ब्लड की विस्कोसिटी किसकी वजह से है, ब्लड की विस्कोसिटी है आरबीसीज की वजह से। क्यों? क्योंकि आरबीसीज की जो नंबर है वो ब्लड में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए आरबीसीज ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन करती है। मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच भी कौन मेंटेन करता है, आरबीसी। इसके पहले ये पढ़ा है हमने कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो होता है वो एक एसिड का काम करता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद बन जाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो आरबीसी क्या मेंटेन करता है, पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड मेंटेन करता है आरबीसीज। आरबीसीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड मेंटेन करते हैं। आरबीसीज का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।